जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका भाई दीपक को स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल न्यू दीपक में। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं अयोध्या के राम मंदिर की पूरी जानकारी देने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। जो भाई चैनल पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, एक लाइक जरूर कर दें। तो लिख चलते हैं आपको वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, 22 जनवरी को अयोध्या का राम मंदिर का उद्घाटन है, इस दिन अयोध्या में इतिहास रचा जाएगा। अयोध्या एक धार्मिक स्थल है, यहाँ पे भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। तो दोस्तों, 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में काफी चमत्कार से चमत्कार हो रहे हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं चमत्कारों के बारे में। दोस्तों, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही अयोध्या में बहुत से चमत्कार हो रहे हैं, उनको भगवान राम के नाम से जोड़ा जा रहा है। तो आइए देखते हैं चमत्कारों को। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया है। भगवान राम के बाल स्वरूप में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य का दिन नजदीक आ गया है। सभी लोग बेसब्री से 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं, जब राम जन्मभूमि अयोध्या श्री राम की चैत्य मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। कई लाखों साल पहले रावण की सेना भी भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच चुकी है। सत्युग में ब्रह्मा आश्रम से पैदा हुए रावण महाशक्तिशाली थे, वह भगवान के साथ जन्मों के दर्शन किए थे। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से की तैयारी जोर जोर से हो रही है। भालुओं का झुंड कल अयोध्या पहुंच गया था, आजकल भालुओं की जाति बिल्कुल विलुप्त हो चुकी है। भालू जंगलों से अधिक चाणक अयोध्या आ गए, इनको भगवान राम का चमत्कार माना जा रहा है। लोग इसे चमत्कार बता रहे हैं क्योंकि वे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही दिखे। भगवान राम का चमत्कार माचकर इन्हें पूज रहे हैं। तो दोस्तों, ये इतनी बड़ी बात हो सकती है क्योंकि कुछ लोग रामायण के ना होने पर ही सवाल उठाते हैं। उन लोगों का मानना है रामायण एक कहानी थी। दोस्तों, आज भी रामायण से कुछ जड़े हुए कुछ सबूत मौजूद हैं, किसी को मानने को मजबूर कर रहे हैं। भगवान ने जो पुल बनाया था वो आज भी मौजूद है। वैज्ञानिकों ने देखकर यह कहा है कि यह प्राकृतिक नहीं है, इंसानों द्वारा बनाया गया पुल है, क्योंकि रावण को मानते हुए जामन भगवान राम के बहुत बड़े भक्त थे। दोस्तों, भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। दोस्तों, जब भगवान श्री राम ने जल समाधि ली थी तभी से अयोध्या सूनी हो गई। कुछ साल बाद अयोध्या राजा विक्रमादित्य अयोध्या आए और राम मंदिर का निर्माण किया, लेकिन मुगलों का शासक आया। लड़ाई के दौरान राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बना दी गई। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए 20 दिसंबर से अक्षत बचन अभियान शुरू होगा। चुनौती के लिए विश्व हिंदू परिषद में आमंत्रण गीत भी तैयार किया गया है। 22 जनवरी और उससे पहले ही अयोध्या में जाने वाली ट्रेनें बिना तो टिकट मिल रही हैं और ना ही फ्लाइट। अगर आप अपनी गाड़ी से जल्दी अयोध्या पहुंच भी जाते हैं तो वहां आपको होटल में ना तो रूम लेने के लिए ना तो हजारों रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं, या फिर हो सकता है आपको होटल भी ना मिले। यह जानकारी की है नेपाल अगले महीने अयोध्या राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के लिए विभिन्न प्रकार के ऊपर बर्तन, कपड़े और मिठाइयाँ भेजेगा। ये वस्तुएं भेजने के लिए जनकपुर धाम अयोध्या धाम यात्रा आयोजित की जाएगी। जानकी मंदिर रामभूषण दास दर्शन की संयुक्त महंत ने कहा है कि 18 जनवरी से शुरू होकर 20 जनवरी को संपन्न होगी। इसके साथ लाई गई वस्तुएं श्री राम मंदिर के न्यास को प्रदान की जाएंगी। मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को होगा। आपको बता दें, जनकपुर से आरंभ होने वाली यात्रा इन जिलों से निकलेगी: जलेश्वर, नाथ मंगला, सिमरौठनगढ़, गढ़ीमाई, बीरनगंज से होते हुए कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर होते हुए उत्तर प्रदेश के अयोध्या पहुंचेगी। दोस्तों, सभी जगह जगह रामरथ निकाला जा रहा है, ये सभी के घर में एक एक मुट्ठी चावल पहुंचाया जा रहा है। तो आपका इस टॉपिक पे क्या कहना है, मैं कमेंट कर जरूर बताएं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।